हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम मीनाक्षी मैम, टीचर ऑफ एलकेजी क्लास एट एमएलपी स्कूल राजपुरा। बेटा, इंग्लिश में मैंने आपको 8 से लेकर जे तक अल्फाबेट करवाए थे, ए से लेकर जे तक, और कल मैंने आपको ए टू जेड अल्फाबेट लर्न करवाए थे। तो आज आप क्या सीखेंगे, जे के बाद क्या आता है, के। तो आज आप के फॉर काइट बनाना सीखेंगे, के। तो देखो के किस तरह से बनाना है आपको, ये देखो बेटा, ये किसकी पिक्चर है आपकी, काइट की। किसकी है, काइट की। और ये क्या है, के। के फोर के आई टी ई काइट, के फोर काइट, के फोर काइट। तो देखो आपको के किस तरह से बनाओगे आप, इस तरह से हम यहाँ ऐसे डॉट लगाएंगे, इस तरह से ये डॉट लगाएंगे हम, इस तरह से, यहाँ थ्री डॉट लगेंगे और यहाँ टू, यहाँ थ्री डॉट, यहाँ पर टू, यहाँ पर आप लगाओगे थ्री डॉट और यहाँ पर टू डॉट, ये ऐसे, इधर थ्री डॉट, यहाँ टू डॉट, यहाँ थ्री डॉट और यहाँ टू, ऐसे, इस तरह से ये हम पहले डॉट लगाएंगे जिससे आपको आसानी होगी। ये देखिए, अब देखो ये हमने थ्री डॉट लगाए हैं, यहाँ पर पहले कैसे बनाओगे आप, इसको सीधी लाइन खींच दो, खींच दी आपने, अब ये इस लाइन से इस डॉट तक ले जाओ ऐसे, और फिर इस लाइन से इस डॉट तक, ये बन गया के। पहले सीधी लाइन खींचो, फिर इस लाइन से इस डॉट तक, इस लाइन से इस डॉट तक, सीधी लाइन खींचो, फिर इस लाइन से इस डॉट तक लाओ, इस लाइन से इस डॉट तक, पहले सीधी लाइन खींचो, फिर इस लाइन से इस डॉट तक, इस लाइन से इस डॉट तक, सीधी लाइन खींच दी, फिर यहाँ पेंसिल रखो और डॉट तक ले आओ, फिर यहाँ पेंसिल रखो, फिर यहाँ लेकर आओ, इस तरह से पहले सीधी लाइन खींचो, फिर यहाँ से इस डॉट तक लाओ और यहाँ से इस डॉट तक, इस तरह से ऐसे, पहले सीधी लाइन खींचो, फिर इस लाइन से इस डॉट तक, इस लाइन से इस डॉट तक, सीधी लाइन खींचो, इस लाइन से इस डॉट तक, इस लाइन से इस डॉट तक, इस तरह से आपको के फोर काइट बनाना है, के। पहले सीधी लाइन खींच दो, फिर इस लाइन से इस डॉट तक, इस लाइन से इस डॉट तक, सीधी लाइन खींचो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, सीधी लाइन खींचो, इस डॉट तक, फिर इस डॉट तक, इस तरह से बेटा आपको के की प्रैक्टिस करनी है पूरे पेज पर। ओके बेटा, थैंक यू।